वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं सिंपल दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी। उसके लिए हमने लिया है आधा कप लिया हमने मूंग दाल, आधा कप लिया हमने दलिया, और इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून हमने घी लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और हम लेंगे 1 टीस्पून करीब जीरा लेंगे, और मसाले जो सिंपल हल्दी धनिया नमक मिर्च ये सब हमें लेना है 1 टीस्पून। नमक आप स्वाद अनुसार लीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम इसमें घी डाल लेते हैं, अपना घी को मेल्ट कर लेते हैं। हमने 1 टीस्पून करीब जीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून करीब अजवाइन डाला है, इसमें क्रैक होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें अपना दलिया डालेंगे, अपना दलिया भी डालते हैं। अच्छे से दलिया को 3-4 मिनट इसको भूनेंगे अच्छे से। इसमें अपना मसाला डाल देते हैं, 1 टीस्पून करीब हल्दी, 1 टीस्पून करीब लाल मिर्च, 1 टीस्पून करीब धनिया, और दलिया के साथ चला लीजिए। दलिया और मूंग दाल के साथ हरी वाली दाल टूटी हुई ली है मैंने। अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, 2 कप पानी डाल रही हूँ मैं। अब इसमें हम सीटी लगाएंगे, 1 सीटी, और लो फ्लेम पे फिर कुक करेंगे इसको 5-10 मिनट के लिए। शोफर का ढक्कन खोल लिया और ये हमारी मूंग दाल खिचड़ी तैयार हो गई है। उसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारी दलिया मूंग दाल की खिचड़ी तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ट्राई करिएगा, बताइएगा कैसी लगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।